हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको ओप्पो A58 4G फ़ोन को कंपेयर करने वाला हूँ Realme C55 4G के साथ। दोनों ही फ़ोन जो है वो 4G नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, 5G नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन प्राइस में जो है काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। और ओप्पो का ये जो A58 4G फ़ोन जो है, ये काफ़ी जो है वो एक जो है वो एग्रेसिव प्राइस पे जो है वो लॉन्च किया गया है, लेकिन उस प्राइस सेगमेंट में बहुत सारे 5G फ़ोन जो है वो इंडिया में अवेलेबल हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ओप्पो A58 को कंपेयर कर Realme C55 के साथ, और मैं आपको बताऊँगा कि इन दोनों में से कौन सा फ़ोन आपको परचेस करना चाहिए। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो A58 4G से। तो इस फ़ोन में आपको 6.72 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलता है, एंड Realme C55 4G में आपको 6.72 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले। यहां पे आपको ओप्पो A58 4G में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, एंड Realme C55 4G में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको 618 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है। ओप्पो A58 4G में आपको मीडियाटेक का जो है वो हीलियो G85 वाला जो है आपको चिपसेट मिलता है, एंड Realme C55 में आपको मीडियाटेक का हीलियो G88 वाला। तो यहाँ पे आपको चिपसेट में अपग्रेड जो है वो Realme C55 4G में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओप्पो A58 4G में 6GB रैम एंड 128GB रोम का मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा, एंड Realme C55 4G में आपको 8GB रैम एंड 128GB रोम का। कैमरे पे आते हैं तो ओप्पो A58 में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस, और वहीं आपको Realme C55 में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरे में आते हैं तो दोनों ही में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, 5000mAh का बैटरी दोनों ही में मिलेगा, 33W का सुपर बुक चार्ज जो है आपको दोनों में मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको दोनों ही में USB Type-C का पोर्ट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। ओप्पो A58 4G में आपको जो है वो डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलता है, एंड Realme C55 4G में आपको सिंगल स्पीकर मिलेगा। ओप्पो A58 4G में आपको कलर OS 13.1 मिलता है, एंड Realme C55 4G में आपको Realme UI 4.0 का सपोर्ट मिलेगा। दोनों ही में आपको Android 13 मिल जाता है, एंड जो कलर ऑप्शन है वो आपको ओप्पो A58 4G में 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं, एंड Realme C55 4G में आपको 3 कलर ऑप्शन। एंड यहाँ पे जो प्राइस है वो ओप्पो A58 4G का स्टार्टिंग प्राइस है 14,999, एंड Realme C55 4G का स्टार्टिंग प्राइस है 10,999। सो गाइस, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक फ़ोन अगर आप परचेस करना चाहते हैं, 4G फ़ोन ही अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको परचेस करना चाहिए Realme का C55 4G इन कंपेयर टू ओप्पो A58 4G, क्योंकि ये दोनों फ़ोन जो है वो 4G है। लेकिन ओप्पो की जगह पर मैं Realme C55 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि Realme में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो ओप्पो में आपको 60 हर्ट्ज़ का मिलता है। Realme में आपको MediaTek का हीलियो G88 वाला चिपसेट मिलता है, जो ओप्पो A58 4G में MediaTek का हीलियो G85 वाला चिपसेट मिलता है, तो वो पुराना चिपसेट है। तो दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस है कैमरे में। Realme में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस मिलता है, एंड ओप्पो A58 4G में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस मिलता है। तो ये तीन मेजर डिफरेंस है इन दोनों फोन्स में। और चौथा मेन डिफरेंस है वो है प्राइस में। ओप्पो A58 4G का प्राइस है 14,999, एंड Realme C55 का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 10,999। तो प्राइस में जो है वो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। सो गाइज, अगर आपको इन दोनों में से कोई एक फ़ोन परचेस करना है, आप कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सा 4G फ़ोन परचेस किया जाए, तो यहाँ पे आपको जाना चाहिए Realme C55 4G के साथ इन कंपेयर टू ओप्पो A58 4G। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।